नमस्कार दोस्तों, एवीटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। क्या आपके पास बोया का माइक्रोफोन है या तो JBL का माइक्रोफोन है और उसके साथ साथ आपके पास कैनन 200D मार्क टू DSLR भी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग जब रिकॉर्डिंग करते हैं बैकग्राउंड का जो नॉइस है वो बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाता है, हमें बाद में सुनने को मिलता है। तो कैमरा का जो सेटिंग है बैकग्राउंड नॉइस एकदम रिमूव हो जाएगा, उसके सेटिंग मैं बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कैमरा का डिस्प्ले खोल लेते हैं, उसके बाद कैमरा को ओपन करते हैं, इस स्विच से ऑन की तरफ ले जाना है। उसके बाद आपको मेनू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कैमरा का जो लोगो है उसके ऊपर शूटिंग सेटिंग पे यहाँ पर ओके लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद साउंड रिकॉर्डिंग लिखा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैनुअल है, उसके ऊपर क्लिक करना है। आपको मैनुअली ही रखना है, अब डिसेबल रहेगा तो आपको मैनुअल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लेवल को यहाँ पर रखना है, मैं जहाँ पर रखा हूँ। उसके बाद सेट करना है। उसके बाद ओइन फिल्टर है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ओइन फिल्टर को ऑटो में भी रखना है। उसके बाद ऑटोनेटर को आपको इनेबल, डिसेबल रहेगा तो आपको इनेबल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर माइक्रोफोन का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको माइक्रोफोन को अच्छी तरह से अटैच करके आपको रिकॉर्डिंग करना चाहिए। मैं आपको 100% देता हूँ, आपका जो साउंड क्वालिटी है पहले से बेटर होगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।